टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आप लोग सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो मौसम बहुत ही बिगड़ गया कल से, एकदम बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हे इंद्रदेव, क्या कर रहे हो? थोड़ा रोक दो भाई, बहुत ज्यादा हो गया। हेलो खुशी, क्या हो गया बेटा? बारिश? ये खुशी ने भी अपना अम्ब्रेला निकाल दिया है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है बहुत। अच्छा ये देखो गाइस, हमारे खेत एकदम फुल पानी से भर गए हैं। अब तो थोड़ी देर में मेरे ख्याल से धान भी डूब जाएंगे लग रहा है। चलो दोस्तों छत में चलते हैं, छत से देखते हैं कितना पानी भरा है, आजू बाजू में क्या चल रहा है। ये सेवो अपने साइकिल की सेफ्टी, वेरी गुड। तो दोस्तों पड़ोस में लग रही है रोपाई, तो सब चले गए रोपाई लगाने के लिए। किसी नची नची करता हूँ बादल बरसा वाले में नाच के। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों मौसम थोड़ा रुकता है तो फिर चलते हैं। यहाँ पर एक बाजू में एक बहुत बड़ी नदी है, वहाँ देखते हैं कितना पानी आ रहा है। और ठीक है, आप बने रहिए इस ब्लॉग में, थोड़ा बारिश रुकती तो फिर जाते हैं उधर को। सोन तो बन के खाना। क्या बना रहे हो? पूछो तो, क्या बना रहे हो? लोटी। क्या बना रही? लोटी। चलो जल्दी बनाओ, फिर हम लोग जा रहे हैं वहां नदी देखने। खुशी आप भी आगे नदी देखने हैं? हाँ। ठीक है गाइस, अभी हम जा रहे गोला। मम्मी मम्मी, बाय 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 बाय। ये तो पूरा डूब गया। बाय खुशी। सो गाइस ये देखिए गोला कितनी आई है, ज़्यादा तो आई नहीं है, बट गोला से जो गोला के आजू बाजू वाले परिवार है सबको बहुत नुकसान हो गया है। देखो किस टाइप से कटाव हो गया है यहाँ पर। इनकी खेतें पहले वहाँ तक हुआ करती थी, वो जहाँ जेसीबी लगी हुई है, और ये सब नदी में बह बह के अब इतनी सी बची है। ये देखो दो चार परिवार और हैं यहाँ। खुशी बेटा कैसा लग रहा? गोला अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा। वो जाना, वो वहाँ नदी में स्विमिंग करने जाना है। वो स्विमिंग करने जाना है नदी में, हैं? जा डुबकी मार के आ थोड़ा। ओ शिट यार, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही कटाव हो गया है। ये रास्ता भी अभी बंद होने ही वाला है, ये थोड़ा सा ही बचा हुआ है यार। पानी अभी इस समय तो बहुत कम है, ज़्यादा आएगा तो बहुत दिक्कत है। वो सामने एक वाइट कलर का मकान भी है, वो भी चले जाएगा लगता है इस बार, थोड़ी और तेज़ बारिश आएगी तो। विधायक जी थोड़ा संज्ञान लो इनके, इन परिवार वालों के लिए थोड़ा इनका कहीं और शिफ्टिंग कराइए इनको। हेलो खुशी जाला। सो दोस्तों अब चलते हैं हमारे एक और मकान में, जो कि यहीं पर कार रोड हमारे लोकल मार्केट में है। सुबह फ़ोन आया था कि पानी भर गया है यहाँ पर भी, सो देखते हैं उधर पे
कितना पानी भरा है। सो ये राइट हैंड साइड पे है नेचुरल ब्यूटी पार्लर जो कि है मेरी सिस्टर का, और अगर किसी को मेकअप से रिलेटेड कोई भी वर्क कराना है शादी ब्याह के लिए, ब्राइडल मेकअप और कुछ भी, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम है, और एक अच्छे प्राइस में और एक अच्छा वर्क आपको मिलेगा यहाँ पर। सो दोस्तों ये है हमारा मकान, और अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कितना पानी वानी भरा है, ऊपर भी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में भी। ये है टुकटुक की एजेंसी, हमारी बिल्डिंग में है, इसको टुकटुक परचेस करना है तो यहाँ से ले सकते हैं। मनीष क्या हुआ, पानी जा रहा है? नीचे तो पानी नहीं भरा है, जो भी भरा हुआ था सब निकल चुका है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर में थोड़ा सा कीचड़ हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा पानी स्टोर हो रहा है इधर, इसको दिखाना पड़ेगा, बाकी ठीक है इधर पे। सो अब चलते हैं अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी ठंडा है, चलो कुछ गर्मा गर्म समोसे ले जाया जाए सिस्टर के वहाँ, और वहीं पर ही खाएंगे, चाय वाय बनाते हैं। और ये हमारे गांव की सबसे फेमस समोसे की दुकान है, एकदम लाइव समोसे कोई स्टोर नहीं करते, हमें गर्मा गर्म हमेशा मिलेंगे। तो गाइस ये घर हमारी वाकई वाला, देखिए पहुँच गए हम। ठीक है, चाय समोसा वो चाय पिलो। क्या हुआ बेटा, ये किसने दिए पैसे? ये बुआ ने। क्या करोगे पैसों से? पैसे से ना पैसा ही पैसा होगा। मैं तो ना टॉफी खाऊंगी। अच्छा टॉफी खाएगी आप? हाँ। अच्छा कितने रुपए दिए? 100 रुपीस। 100 रुपीस। थैंक यू बुआ बोलो। थैंक यू बुआ। गाइस अभी हम निकल गए बोलो यहाँ से, अभी जाते हैं सीधे घर। नमस्ते नमस्ते, ठीक हो? तो गाइस हम पहुंच गए हम घर। अरे बाप रे, अरे क्यों हमारा खेत ही भर गया।
सो दोस्तों ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में। बाय।